अगर आप प्रॉपरली जियोपॉलिटिक्स को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा शायद कि कुछ ही महीनों पहले वियतनाम और इंडिया ने साइन किए थे एक मिलिट्री पैक्ट, जहाँ पे इंडिया और वियतनाम दोनों एक दूसरे के मिलिट्री बेस यूज कर सकते हैं। अब उसी समय वियतनाम ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर भी बहुत उत्सुक थे, क्योंकि वो एक आसियान कंट्री है और आसियान कंट्री मतलब चाइना का थ्रेट। अब इसी की वजह से वो अब इंडिया और इसराइल द्वारा बनाए गए बाराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहता है $500 मिलियन के बदले में। बाराक 8 की अगर बात करें तो ये डीआरडीओ और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने मिलकर बनाए थे 2017 में। ये एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ये 50-70 किलोमीटर के दौरे में दुश्मन के किसी भी विमान, ड्रोन और मिसाइल को तबाह करने में सक्षम है। और इस मिसाइल में स्टेट ऑफ द आर्ट एरे रडार, इंटरसेप्टर विद एडवांस रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर के साथ मोबाइल लॉन्चिंग फैसिलिटी भी शामिल है, जो इस मिसाइल को और भी खतरनाक बनाते हैं।